देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई की धड़कन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। रोजाना लाखों लोग सीएसटी से गुजरते हैं, लेकिन गुरुवार की शाम उनमें से कुछ लोगों के लिए आफत बनकर आई। शाम का वक्त था और काम खत्म कर लौटने वालों की भारी भीड़ स्टेशन पर थी। कुछ लोग अपने दफ्तरों से घर लौट रहे थे और कुछ काम से घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंच रहे थे। अचानक तेज आवाज आई और सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बीटी रोड से जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा भर भराकर गिर गया। 30 साल से ज्यादा पुराना ये ब्रिज लोगों का वजन नहीं सह पाया और पुल का हिस्सा नीचे से गुजर रही गाड़ियों पर जा गिरा। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हादसे में फुटओवर ब्रिज से गुजर रहे लोग नीचे सड़क पर गिरकर घायल हुए, जबकि सड़क से गुजर रहे वाहनों में सवार लोगों पर जब पुल गिरा तो वो भी घायल हो गए। खबरों की माने तो 20 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए। अभी तक पता नहीं, 20 तक है, 20 तक है, 20 था। अपना देखते ही देखते सपनों की नगरी की रफ्तार थम गई और सबसे पहले मुंबई वासी ही लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े। मलबे में दबी गाड़ियों में से लोगों को बाहर निकाला और नीचे गिरे लोगों को उठाकर अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। उसके अंदर और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे, उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गोज हुआ और उसके अंदर कम से कम 20 के ऊपर लोग घायल हो गए होंगे। हादसे की जानकारी मिलते ही तमाम विभागों के लिए मौके पर पहुंचे पुलिस और बीएमसी के अधिकारी भी पहुंचे। राहत कर्मी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को मलबे से निकाला। हादसे के बाद मलबा हटाने के लिए जेसीबी को भी लगाया गया। हादसे के बाद अधिकारी तमाम उपकरणों के साथ पहुंच गए, लेकिन हादसे ने फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घायल हुए वो घायल नहीं होने चाहिए थे। जब ऑडिट किया गया तो उस समय ऑडिट में जिसने इंजीनियर ने इसको सर्टिफिकेट दिया, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। सो बेसिकली इनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। कितने पेशेंट्स यहाँ पे सर? यहाँ पे 14 पेशेंट अपन ने एडमिट किए, उसमें का एक पेशेंट अभी जेजे में न्यूरो सर्जरी का ऑपरेशन के लिए शिफ्ट किया है और एक पेशेंट जो सीरियस है तो उसको अपन ने आईसीयू में शिफ्ट किया है सर। टोटल कितने पेशेंट हैं यहाँ पे? 14 पेशेंट एडमिट हुए थे, तो एक पेशेंट अभी अपन ने जेजे में शिफ्ट किया। एक जेजे में शिफ्ट किया। एक और सवाल है, 14 में से कितनों की मौत हो चुकी है आपने क्या बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। 14 पेशेंट एडमिट है अपने पास, देश का सबसे अमीर नगर निगम हादसे से पहले क्यों नहीं जागता? क्यों वक्त रहते फुटओवर ब्रिज की मरम्मत नहीं कराई गई थी? देखिए, ये इसका जवाबदार है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट। एल्फिस्टन रोड का जब ब्रिज गिरा तब हम वहाँ पहुंचे थे, हमने देखे थे लाशों के ढेर लग गए थे। तब भी हमने सरकार को कहा था कि जितने भी इस तरह के मुंबई में ब्रिजेस है उसकी मरम्मत की जाए जल्दी से जल्दी, मगर सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगी। आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सड़कों के गड्ढों पर बीएमसी पर कड़ी टिप्पणी की है, लेकिन बीएमसी के अधिकारी हैं कि सुधरते ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।